videos, subscribe and like. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज विपिन कुमार के साथ। थाना सदर बाजार मेरठ पुलिस टीम द्वारा की गई चेकिंग के दौरान मंगलवार को जीटीवी तिराय वेस्टर्न रोड से अभियुक्त अज्जू उर्फ अजहरुद्दीन पुत्र महबूब निवासी सोतीगंज सदर बाजार मेरठ को चोरी की कार मारुति ब्रेजा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर दो अन्य चोरों की कार वैगनार बैलोना कार मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन से बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त अज्जू ने पूछताछ पर बताया अपने साथियों के नाम, जिसमें मेरठ से रामपाल व सदन हुसैन उफ्र असलिम पुत्र हसैन मियां निवासी 144 शास्त्री नगर बड़ा पार्क जयपुर राजस्थान एक्सीडेंट कबाड़ कार की नंबर प्लेट को चोरी कर की गई कारों पर लगाकर जयपुर राजस्थान ले जाते हैं तथा वहां पर चेसिस नंबर बदलकर लोगों को सही कार बताकर बेच देते हैं तथा जो कमाई होती है वह आपस में मिलकर बांट लेते हैं। बने रहे लोकेश कुमार की रिपोर्ट के साथ। सदर बाजार पुलिस ने किया है, काफ़ी गुरुवार पुलिस ने किया है इन्होंने। इसमें एक अभियुक्त है जिसका इसका नाम है अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू और ये पहले भी इसी तरह के प्रकरणों में जो है जेल गया था और वांछित भी चल रहा था, गैंगस्टर में वांछित था थाना प्रभपुरी से। इससे जो पूछताछ करी गई तो इसकी निशानदेही पे तीन कारें बरामद हुई हैं जो ये चोरी की कारें असेंबल करके और उसके अंदर कुछ पार्ट्स वगैरह लगा करके उसको अनसस्पेक्टिंग बायर्स को भी बेच देते हैं, प्लस साथ में इनका एक गैंग भी है जिसमें जो है ये ऑर्डर पर चीज़ों को चोरी करके और उसमें बाद में इनको जब इसके कागजात के साथ में उनको बेच देते हैं। तो तीन कारें इसमें, एक ब्रेजा कार, एक ऑल्टो और एक इसमें बलिनो, ये तीन कार जो है हमारी बरामद हुई है। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा थाना ब्रह्मपुरी में भी एक स्विफ्ट डिज़ायर कार पकड़ी गई थी, वो भी इन्हीं के गैंग के द्वारा ही चोरी करवा करके बेची गई थी। इस गैंग में जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, इसका एक साथी भी थोड़े दिन पहले थाना ब्रह्मपुरी से जेल भेजा है और एक और साथी जो कि चोरी करने में एक्टिव रहता था वो वांछित है, प्लस साथ में दो और व्यक्ति जो जयपुर के रहने वाले हैं वो दोनों व्यक्ति उसमें वांछित है। सबके नाम और पते जानकारी हमको हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में ये कार्य कर रहे थे। यूपी के साथ साथ आपको मालूम होगा ये जयपुर में भी इनका जो है सामान ये बेच रहे थे। इसके साथ साथ दिल्ली से गाड़ियाँ चुरा करके, बल्कि इनसे बातचीत करने में ये भी जानकारी आई है कि चेन्नई तक में इन लोगों ने गाड़ियाँ बेची हैं। तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा सदर बाजार पुलिस ने निकाला। देखिए, मैंने आपको बताया ये इस व्यक्ति के विरुद्ध ही 2020 से मुकदमे जो लिखे हुए हैं, तो लगभग 6-7 मुकदमे पहले से ही हैं, तो कम से कम 1.5 साल पुराना ये गैंग है जिसके विरुद्ध कार्रवाई। सर, इसका मुख्य मास्टरमाइंड कौन है? इसका मुख्य मास्टरमाइंड ये एक तो रामपाल नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि जयपुर का रहने वाला है, जो कि ऑर्डर पर इनसे जो है बात करता है और गाड़ियाँ यहाँ से ले जा करके उसको बेचता है। साथ ही साथ एक सद्दाम नाम का व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर लोकल हमारा व्यक्ति अज्जू उर्फ अजहरुद्दीन है। तीनों गाड़ी जो आज मिली कौन से क्षेत्र की है? ये सब यहीं पे लोकल क्षेत्र में मिली है। मैं आपको बताऊं बाकी चीज़ें जो है विवेचना के क्रम में कि गाड़ियां कहां से चुराई गई थी और उनको हम लिंक कर रहे हैं जहां से ये गाड़ियां चुराई गई हैं, उनके मालिकान से भी और विवेचकों से बात करेंगे, तभी जो है इस पूरे गैंग का पूरी तरह से बात विवेचना के क्रम में आगे जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे उन सभी को हम इसमें ला करके और इसमें आगे करेंगे। थैंक यू सर।